वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो लास्ट टाइम हमने मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन करे थे और क्या किया था स्टूडेंट्स, बहुत सारे फॉर्मूले हमने रिवाइज कर रहे थे। तो हर फॉर्मूले के ऊपर मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा जी अच्छी, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन दिया है, इफ एन टू गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन पर, एन टू गैस जो है ना वो वाटर से बबल होकर बाहर निकली है, ठीक है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कितने मिलीमोल्स एन टू के डिसॉल्व हुए होंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में, ठीक हो गया। एज्यूम करना है एन टू एक्सर्ट करती है पार्शियल प्रेशर 0.987 बार, ओके। और के एच का हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट दिया है एन टू का 76.84 किलो बार, ठीक हो गया। तो हम जानते हैं हेनरीज लॉ क्या होता है बेटा, पार्शियल प्रेशर, ध्यान से देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है इनटू केएच, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू केएच इनटू एक्स, तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर अपॉन केएच, इज इट क्लियर और नॉट। पार्शियल प्रेशर कितना दिया बेटा, कितना दिया है आपको, पार्शियल प्रेशर दिया है आपको कहां गया, ये दिया है 0.987 बार दिया है बेटा, इज इट क्लियर और नॉट। और के एच की वैल्यू कितनी दी है, 76.48 किलो बार दिया है। तो किलो बार को बार में चेंज करेंगे 10^10 कितना हो जाएगा बेटा, 3 बार हो जाएगा, इज इट क्लियर और नॉट। इससे ये कैंसिल होगा तो x की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब मुझे मोल फ्रैक्शन पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखो किस में डिजोल्व है, 1 लीटर वाटर के सोल्यूशन में डिजोल्व है ना, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन यहां से आ जाएगा। तो अब मुझे क्या निकालना है बेटा, मोल फ्रैक्शन दे दिया, ठीक हो गया, मोल फ्रैक्शन N2 का दे दिया, ठीक हो गया। और मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालने हैं या मोल्स निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा, N N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, इज इट क्लियर और नॉट, अपॉन क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ठीक हो गया। तो ये चीज तो निकालनी है भाई। अब ये अगर मुझे ये पता हो जाए, ये चीज पता है, ये चीज निकालनी है, ठीक है। अगर ये पता लग जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के कैसे निकाल लूंगा मैं बेटा जी, ध्यान से देखना है। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पुट होता है मास कैसे निकाल लूं मैं, मास अपॉन मोलर मास होगा, अरे यस या नो, मास अपॉन मोलर मास, ठीक हो गया। तो अब देखो मास कैसे पता, भाई मोलर मास तो 18 होता ही है। अब देखो मास कहां से आएगा, 1 लीटर से आएगा। अब देखो हमें पता है मास इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, Is it clear or not? ठीक हो गया बेटा, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, ठीक हो गया। Is it clear or not? तो 1 लीटर को किस में चेंज करेंगे, 1000 ml में चेंज करेंगे, 10^3 ml हो जाएगा, ठीक हो गया। और डेंसिटी कितनी होती है, 1 g/cm³, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1000 आ जाएगा, ठीक हो गया। Is it clear or not? ठीक है। तो आप देखो नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं, तो देखिए बेटा जी 1000 आ गया है, और क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स, तो वेट इतना आ गया, वेट अपॉन बोलो मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। इज इट क्लियर और नॉट। देखो वाटर क्या हो गया, 2 + 16 = 18 हो गया। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 55.5 मोलर आएगा, ठीक हो गया। यानी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 1 लीटर में वाटर में, कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बेटा, ये 55.5 मोल्स होते हैं, ठीक है। अब इसको इसकी में वैल्यू रख दोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर दोगे, नहीं कर दोगे, इज इट क्लियर और नॉट, हो जाएगा स्टूडेंट से क्वेश्चन अब, ठीक है। आप इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है बेटा, ओके। अब तक जा, अब जब भी अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है बेटा, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ओके, फॉर लेटेस्ट केमिस्ट्री वीडियोस के लिए, ठीक है। अब देखो अगले टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। देखो अगले टाइप का न्यूमेरिकल में वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3, क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर दिया है बेटा, एंड DCM का वेपर प्रेशर, यानी DCM क्या है, डाइक्लोरोमीथेन, एट 298 केल्विन पर, कितना 298 केल्विन पर, कितना दिया है R, कितना दिया बेटा 200 मिलीमीटर Hg, यानी मिलीमीटर पारा, एंड 415 मिलीमीटर Hg, ठीक हो गया रेस्पेक्टिवली। तो पहला टाइप है इसमें, कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, जो कि किस किस से प्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 से प्रिपेयर्ड है, एंड 40 ग्राम DCM से प्रिपेयर्ड है बेटा जी, इज इट क्लियर और नॉट, एट 298 केल्विन पर,
ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इच कंपोनेंट बताना है, इच कंपोनेंट, ठीक हो गया बेटा, इच कंपोनेंट इन वेपर फेज, किसमें बेटा, वेपर फेज में। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन, वेपर फेज में। तो देखो बेटा, अब ये किसका क्वेश्चन है बेटा, राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन है, किसका है, राउल्ट्स लॉ का। तो राउल्ट्स लॉ ये क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन इक्वल्स टू क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है, इनटू मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ये कहता है हमारा, क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ ये कहता है। तो देखिए पहला काम, इसका मतलब क्या बताना है मुझे, एक ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है जो कि इससे प्रिपेयर हो रखा। तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा जी, मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, जब तक मुझे नंबर ऑफ मोल्स ना पता हो। तो नंबर ऑफ मोल्स बताते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटा जी, CHCl3 के, ओके। तो पहला काम मोल फ्रैक्शन के लिए मोलिकुलर मास निकाल लो, मोलिकुलर मास ध्यान से समझना है ऑफ CHCl3, किसका, क्लोरोफॉर्म का। तो देखिए बेटा 12+1 ओके, फिर 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, 13 हो जाएगा, प्लस 5 तिया 12 और 5 तिया 15, 1 5 तिया 15 और 1 16, 1 3 तिया 9 और 1 10, ठीक हो गया। इसको प्लस करेंगे 6 3 9 1115 आ गया, ठीक हो गया, ग्राम पर मोल। इज इट क्लियर और नॉट। तो मोलिकुलर मास निकल गया, नंबर ऑफ मोल CHCl3 के निकाल लूंगा बेटा जी। वेट कितना है, 25.5 ग्राम ओके, अपॉन 119.5 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 निकल गई। अब मॉलिक्यूलर मास किसका निकाल लूंगा, मोलर मास ऑफ किसका, DCM यानी CH2Cl2। इज इट क्लियर और नॉट। तो देखिए बेटा जी 12+2+35.5=71, ठीक हो गया। अब देखो कितना हो जाएगा ये, तो देखिए बेटा 1, 2, 4, 5, 7 और 1, 8 85 ग्राम पर मोल। Is it clear or not? तो N निकाल लूंगा मैं DCM का, DCM। तो वेट कितना है बेटा, 40 ग्राम है, 40 ग्राम अपॉन 85 ग्राम पर मोल, ठीक हो गया। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए दोनों के। तो देखिए पहला काम किस, क्या काम करना है मुझे, तो देखिए बेटा ध्यान से समझना है आपको। तो पहले के लिए अगर मैं निकाल लूंगा तो X1 भी मुझे पहले का लेना पड़ेगा, इसका मतलब अब पहला काम क्या करेंगे, देखो X किसके लिए निकालूंगा, यहां देखो यहां पर निकाल रहा हूं X किसके लिए, CHCl3 के लिए। तो क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये मोल फ्रैक्शन CHCl3 के निकल जाएगा। अब निकाल लूंगा DCM के लिए, किसके लिए बेटा, DCM के लिए। तो ऊपर DCM के नंबर ऑफ मोल्स रखूंगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। तो ये वैल्यू फिर ये वाले राउल्ट्स लॉ में रखूंगा, ठीक है। फिर पी टोटल निकालना है, P1+P2। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा जी। प्रेशर, टोटल प्रेशर पता लग जाएगा मुझे, जिससे कि ये इतने ग्राम को डिसॉल्व करने से बनाया गया है। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ इच कंपोनेंट इन वेपर फेज में मुझे पता करना है। तो पहले मुझे प्रेशर पता होना चाहिए बेटा जी, इज इट क्लियर, यानी वेपर प्रेशर पता होना चाहिए कंपोनेंट्स का। तो उसके लिए क्या करूंगा, P1 निकाल दूंगा मैं, कैसे P1 निकालूंगा, P1 नॉट इनटू X1। देखो X1 मेरे पास है, इज इट क्लियर और नॉट। P1 नॉट, देखो P1 नॉट की वैल्यू किसकी है, ये है P1 नॉट, ये दिया है, ठीक हो गया। तो P1 आएगा बेटा मेरा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, इसका मतलब किसके लिए बेटा, CHCl3 के लिए। ऐसे ही P2 निकाल दूंगा मैं, ठीक हो गया, P2 नॉट इनटू X2। जब ये चीज निकल जाएगी तब देखो मैं कैसे निकाल दूंगा, Y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 इंटू पी टोटल। इज इट क्लियर और नॉट, नहीं समझ में आई बात, क्लियर है बेटा। P1 इंटू पी टोटल कितना है, ये मेरा जो पी टोटल की वैल्यू आई, तो निकल जाएगा सभी का वेपर फेज पे क्या निकल जाएगा बेटा, आपका इच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा वेपर फेज में। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये हो गया सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल, किसके बेस पर, राउल्ट्स लॉ के बेस पर, ठीक है बेटा। अब इसको रब करते हैं, एक बार चेक कर लेता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट, ओके। हाँ तो देखो बेटा जी, मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया, दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85 बार दे रखा है, ठीक है, वेपर प्रेशर दिया है ओके, इन नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट।
सॉलिड 0.5 ग्राम एडेड टू 39 ग्राम ऑफ वेपर पे, 39 ग्राम किस में, बेंजीन में ऐड किया गया है, ठीक हो गया बेटा, ओके। अब देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.845 बार दिया है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास पता करना है। तो देखो बेटा पहले ये आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन किस टॉपिक से, क्वेश्चन हमारा आरएलवीपी से, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओके। वो क्या होता है बेटा, डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या होता है, पी वन नॉट इंटू एक्स टू होता है बेटा, ओके। तो देखो डेल्टा पी इक्वल्स टू पी वन नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स टू। तो पहले इसके लिए फॉर्मूला जनरेट करते हैं, तो देखो एक्स टू में को मैं कैसे लिख सकता हूं, एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है बेटा जी। अब ये जो एन टू होगा डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए लगभग हम जीरो मानेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा W2 अपॉन M2, ध्यान से देखना है, इनटू N1 क्या हो जाएगा बेटा हमारा W1 अपॉन M1, ठीक हो गया, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस M2, जो 2 है ना बेटा वो है सॉल्यूट, ओके। तो M2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, M2 क्या हो जाएगा हमारा, देखो ध्यान से, ये इधर ये इधर, तो ये इधर बेटा ये W2 into M1 into P1 not अपॉन क्या हो जाएगा P1 not minus P1, ओके बेटा जी, into W1। अब देखो W2 बेटा, W2 क्या है बेटा हमारा, क्या ऐड किया गया है, देखो ध्यान से देखो, बेंजीन है ये, इतना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है बेटा 0.5 ग्राम, ठीक हो गया W2। M1 कितना है, मॉलिकुलर मास 78, इज इट क्लियर और नॉट, P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट का कितना दिया है बेटा, प्योर बेंजीन का देखो 0.85 ग्राम, नहीं समझ में आ रही बात, तो P1 नॉट माइनस P1 0.85 ग्राम, 85 बार माइनस कितना करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ किसका, ये दिया है बेटा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे 0.850 माइनस 0.845, इज इट क्लियर और नॉट, इनटू W1 कितना है बेटा 39 ग्राम है, ऐड किया गया है ये 39 ग्राम बेंजीन में ऐड किया है, तो 39 ग्राम हो गया नहीं हो गया, तो M2 निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बेटा जी, इज इट क्लियर और नॉट। RLVP का क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार और देखो बेटा, हमारा होता है डेल्टा पी इक्वल्स टू पी वन नॉट इंटू एक्स टू होता है, इसको इसके डिवाइड में करा तो पी वन, डेल्टा पी को कैसे लिख सकता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूट, पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन नॉट इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एन टू जीरो टेंड्स टू जीरो होगा, तो एन टू अपॉन एन वन, बस फिर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये फॉर्मूला जनरेट हुआ, वैल्यू रखी, आंसर मिला, ठीक हो गया बेटा। इसको रब करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट करता हूँ, ओके बेटा जी, उम्मीद यही करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बेटा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है सॉल्यूशंस के, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया है बेटा, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ओके, इज डिजॉल्व किसमें डिजॉल्व हुआ है, इन 1 kg वाटर में डिजॉल्व किया है बेटा, ठीक हो गया, इन ए सॉस पैन में, एक सॉस पैन है, ठीक हो गया, एक सॉस पैन में हमें इसमें डिजोल्व किया है, मतलब क्या ग्लूकोज को, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बेटा जी हमें बताना है, विल वाटर बॉयल बेटा, किस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल होगा, एट 1013 bar, ठीक हो गया बेटा। अब देखो केबी दिया है फॉर वाटर, कितना दिया है केबी दिया है वाटर के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक हो गया बेटा, इज इट क्लियर और नॉट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो टेम्परेचर बताना है, तो देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देखो बेटा तो बेसिकली किससे है भाई, जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी, ठीक हो गया। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू स्मॉल एम,
ठीक हो गया, केबी इंटू स्मॉल एम होता है, निकालना क्या है, टेम्परेचर निकालना, तो डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, तो टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक हो गया। ओके, केबी की वैल्यू दी है 0.52, एम क्या है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट W2, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कितना हो जाएगा, मोलर मास होता है M1 इन केजी में, ठीक हो गया। तो देखो टीबी निकालना है, टीबी नॉट कितना होता है भाई ये बताओ, वाटर बॉयल किस पर करेगा भाई, 373 केल्विन पर, केल्विन पर ही बॉयल करेगा, ठीक हो गया, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन 0.52। अब N2 निकालना है, देखो कैसे निकाल लेंगे, N2 निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है भाई, N2 निकालना है मुझे, वेट कितना है 18 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, देखो इसको करेंगे कितना हो जाएगा ये 12 × 72 प्लस 12 प्लस 16 × 96, ठीक हो गया, इसको करोगे 18 अपॉन 6 × 2 = 8 और 2 = 10 10 × 11 = 7 180, ठीक हो गया, इज इट क्लियर और नॉट, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी किसमें, टीबी निकाल लोगे, इज इट क्लियर, और जो वैल्यू आएगी उसमें 373 ऐड कर लेंगे बेटा जी। ओके, तो हल्का सा ये इंक्रीज करेगा, अप्रोक्स वैल्यू आएगी बेटा इसकी 373.1305 केल्विन के आसपास, तो थोड़ा ही इंक्रीज करता है बट एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक हो गया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन बेटा आपके समझ चुके हो, नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, ठीक है, पहले इसको रब करना पड़ेगा। ओके बेटा जी, तो मैं इसको जल्दी से रब कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो जाता है, अब देखो बेटा 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, ये देखो 200 cm³ ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन दिया है बेटा, ठीक हो गया, ऑफ ए प्रोटीन, ऑफ ए प्रोटीन का, ठीक हो गया, इज इट क्लियर और नॉट, प्रोटीन का मैं एक्वस सॉल्यूशन क्या कंटेन करता है 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन करता है प्रोटीन, ठीक हो गया बेटा। ओके, पाई दिया है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है कितना एट 300 केल्विन पर 2.57 × 10⁻³ बार दिया है बेटा, कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ प्रोटीन, ठीक हो गया। तो देखो मोलर मास ऑफ प्रोटीन मतलब किससे किसका क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर का, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है पाई इक्वल्स टू सी आर टी, क्या होता है बेटा पाई इक्वल्स टू सी आर टी। ओके, तो देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, पाई हमें गिवन है, ठीक हो गया, तो पाई इक्वल्स टू क्या हो गया, सी क्या होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या वॉल्यूम इन लीटर, ठीक हो गया, आर की वैल्यू, आर क्या होता है गैस कॉन्स्टेंट, तो देखिए क्या है पहले काम करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें गिवन है 200 cm³ में गिवन है, ठीक है, तो इसको लीटर में चेंज करेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा 1 L/10³ होते हैं, 1 L = 10⁻³, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे 10⁻³ = 1 L, 1 cm³ = 1/10�³ L, तो कितना है 200 cm³ है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 200 × 10⁻³⁔ L, ठीक हो गया। तो देखो बेटा आर की वैल्यू अब देखो किसमें आ गया, लीटर में आ गया, तो आर की वैल्यू वो रखेंगे जिसमें लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल आता है, तो आर की वैल्यू क्या होती है 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल, ठीक हो गया, तो इसकी वैल्यू रखो, खत्म हो गया क्वेश्चन, 0.0821 टेम्परेचर 300 दिया है बेटा, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हमारी 2.57 × 10⁻³ वॉल्यूम रखो कितना 200 × 10⁻³ डिवाइड बाय क्या करना है 0.0821 × 300 = n, n2 क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट क्या हो गया W2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक हो गया, वेट दिया है, वेट क्या दिया है बेटा ये दिया है 1.26, ठीक हो गया, 1.26 को इधर भेज दूं 1.26, ठीक हो गया, तो 1/m2 की वैल्यू आएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड बाय क्या कर देंगे 1 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट मोलर मास आ जाएगा बेटा प्रोटीन का, इज इट क्लियर और नॉट,
ठीक हो गया। तो आशा करता हूँ आपको सभी न्यूमेरिकल समझ आएंगे, समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।